नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बड़वानी से है, जहां नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं और सामाजिक संगठन के लोगों ने बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया, जिसमें बड़वानी इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज के संचालक पर तुरंत पुलिस केस दर्ज कर फर्जी नर्सिंग कॉलेज की जाँच एवं छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। दरअसल एडमिशन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए शुल्क अग्रिम रूप से अनिवार्य जमा करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके खिलाफ बड़वानी में छात्र जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन देते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमेर सिंह बड़ोले ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है। एक तरफ सरकार द्वारा विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, वहीं अपने ही देश के राज्य में शिक्षा के लिए अग्रिम शुल्क वसूलना निंदनीय है। सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने यूथ कांग्रेस के सुमेर बड़ोले और नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं से बात की, देखिए ये रिपोर्ट। आज नर्सिंग घोटाले को लेकर बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय कुछ छात्राएं इस कड़कती धूप में आ गई है। आरोप लग रहे हैं कि नर्सिंग घोटाला हुआ, सीबीआई जांच चली, सीबीआई जांच में भी जांच आ गई। हमारे साथ नर्सिंग घोटाले की कुछ छात्राएं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अश्विनी मुझलदा। अश्विनी, आप नर्सिंग की स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? हम 2021 के बैच है, बड़वानी इंस्टीट्यूट कॉलेज है हमारी। अच्छा, ये वही कॉलेज है जो नर्सिंग घोटाले में आ गया है, और आप लोगों को शायद प्रवेश पत्र का कोई इशू हो गया, तो क्या क्या समस्याएं थी आपको? फर्जी में आ गया है और हमको फीस जमा करने का बोला गया है, स्कॉलरशिप पे हमारी बात हुई थी, तो अदरवाइज हम नहीं करेंगे बोला हमने। तो आपको स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली? स्कॉलरशिप नहीं मिली है। हाँ, और क्या समस्याएं थी आपको? तहसीलदार साहब को आपने ज्ञापन भी दिया है। जैसे कि हम एग्जाम देने गए थे, मतलब एग्जाम आई तो हमको एडमिट कार्ड नहीं दिए गए हैं, और बोले कि हमारी फीस जमा करो तब हम तुमको एडमिट कार्ड देंगे बोले। और ये आपसे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए ओरिजिनल, वो क्यों लिए? आपने उनसे पूछा नहीं क्यों जमा कर रहे हो आप? बोले कि जमा होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये नर्सिंग छात्रा जिनका आरोप है कि इनसे डॉक्यूमेंट भी ले लिए हैं, प्रवेश पत्र देने में बड़ी आनाकानी करी, अभी एग्जाम का क्या होगा? हमारे साथ सुमेर बड़ोले हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दों पे अक्सर आते हैं, पर आज कभी छात्राओं को लेकर आ गए हैं, और एक आदेश भी था जिसमें आप ये कह रहे थे कि आप पूरी फीस ये गरीब बच्चे भरेंगे कैसे, इतना आसान नहीं है क्योंकि ये ट्राइबल जिला है। ये बड़वानी जिले की ही बात नहीं, ऑल ओवर एमपी की बात है। ये अभी प्रवेश चल रहे हैं, नए सत्र के 24-25 के प्रवेश चल रहे हैं, और जहाँ पर कई बच्चों ने डीएड बीएड में एडमिशन लिया है, वहाँ पर बच्चों से जैसे उनकी काउंसलिंग नाम आया, वैसे ही बच्चों से बोल जाए कि तुम्हारे से तुमको 40,000 फीस जमा करना है, किसी से 50,000 जमा करना है, और दूसरे सत्र में एडमिशन लेने वाले बच्चों से भी 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, जो मतलब सरकार ने खुला छोड़ दिया है धन्ना सेठों को। हम बार बार बोलते हैं कि धन्ना सेठों की सरकार, धन्ना सेठों से कोई मानने को तैयार ही नहीं था, और किसी बीजेपी वाले को बोले तो पता ही नहीं मानेगा, नहीं हम धन्ना सेठ, अब उसको प्रूफ बता देंगे हम यहाँ ले जाके कि तुम्हारे धन्ना सेठों की सरकार है, ये तुम देखो, इन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश निकाला है कि तुम किसान हो, तुम्हारे पास गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा हो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो अपने घर भेज दो। इस पर मानते कि धन्ना सेठ यानी ये भाजपा के लोग हैं जिनकी कॉलेज है, उसका ये आदेश आ रहा है, ऐसा मानते हैं, आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल है, विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में जैसे उसमें जेएनएम कॉलेज में जो घोटाला हुआ, वैसा वैसा घोटाला इन डीएड बीएड कॉलेजों में भी हो रहा है। तुम पैसा पहले ले लो और भगाओ इनको, नहीं पैसा है तो भगाओ। आज की स्थिति में कहीं माँ बाप से मेरी बात हुई है, कहीं बच्चों ने अपने ज्वेलरी रखी है, कहीं बच्चों ने अपने खेती रख के अपने बच्चों को, क्योंकि डीएड बीएड करना है उनको, तो इस प्रकार से। दूसरा, ये हम नर्सिंग वाले जो बच्ची आई है, यूजीसी और इनका यूनिवर्सिटी का स्पष्ट निर्देश था, गवर्नमेंट का स्पष्ट निर्देश था कि बच्चों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे किसी भी कंडीशन में, लेकिन आज बड़वानी के 9 कॉलेज है, बड़वानी से 9 कॉलेज में से अगर कभी 4 से 5 कॉलेज आपको मैं ऐसे दिखा दूंगा जिनके पास बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हुए आज भी रखे, तो ये सरकार के ताक में। अब सवाल ये उठता है कि ये इनका इतना पावर मिलता कहाँ से? तो ये शासन, प्रशासन और नेता, इन तीनों का ऐसे साठगांठ बैठी हुई है। आपको याद होगा दो तीन साल पहले हमने आंदोलन किया था बड़वानी में, और सभी कॉलेजों के हमने जांच करवाए थे, वहाँ पर स्कॉलरशिप भी ले रहे थे, ये आवास के पैसे भी ले रहे थे, एडवांस 10-15 हज़ार रुपये ले रहे थे, मतलब कम से कम एक बीएससी नर्सिंग की बच्ची से 1,06,000 रुपये टोटल पैसा ये लोग। आपने तहसीलदार मैडम को जब ज्ञापन दिया तो आपने कोई मांगी भी रखी और कोई शर्त भी रख रहे थे कि तभी हम आपको ज्ञापन देंगे? हमने कहा है कि ये अधिकार कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में है, जैसे बड़वानी इंस्टीट्यूट का मामला था, इन बच्चों के डॉक्यूमेंट रखे हुए, ये बड़वानी कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में, और बड़वानी कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, उन पर FIR दर्ज हो सकते हैं। दूसरी कॉलेजों पर FIR हो रही है, दूसरी कॉलेज संचालक पर FIR, बड़वानी के कलेक्टर क्यों नहीं करवा रहे हैं FIR? आपको क्या लगता है कलेक्टर महोदय कार्रवाई नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है? आपने ज्ञापन भी दिया, किस पे आरोप लगाएंगे आप?
मैं नहीं कलेक्टर कलेक्टर पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये कार्रवाई करते क्यों नहीं है। अच्छा कार्रवाई नहीं करते इसके आपको आपत्ति, और इसलिए आपने ज्ञापन दिया है। ये हमारे साथ सुमेर बड़ौदी जिनका कहना था कि वो सिर्फ आरोप लगा रहे, इधर और छात्र हैं उनसे भी उनके दुख जानना चाहेंगे। आपको भी परेशानी आ गई थी, परवेश पत्र आपको भी नहीं मिला था और आपने तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया, क्या है आपकी समस्या? हमको तो एग्जाम में बैठने के लिए नहीं बोला था, 2 साल से कॉलेज बंद है ऐसा बोला था, इसलिए हमने कलेक्टर सर से मिलने आए थे उस दिन, तो उन्होंने एडमिट कार्ड दिलवाया हमको। आपका नाम? प्रियंका खरते। ये काफ़ी छात्रा हैं जो आरोप लगा रही हैं कि नर्सिंग जो घोटाला हुआ है, और काफ़ी नर्सिंग कॉलेजों का भी यूँ कहना कि जो मार्कशीट ले लेते हैं जो कि गलत है, स्कॉलरशिप भी नहीं देते, मान्यता का बड़ा विषय है। अभी तो फिलहाल इन लोगों ने तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया है, अब देखते आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबरों में बने रहने के लिए मेरे साथ देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।